Hi friends, how are you? I am Abhay. I lovingly call him Abhi and I am Ruchi, his wife. You are watching our YouTube channel Abhiruchi Vlogs. Please watch each episode of this channel till the end and enjoy. And also please do not forget to like, subscribe and share so that you can get our future notifications. Thank you. कैसे हैं आप? आपने हमारा अभिरुचि व्लॉग्स का 6 दिन का लेह लद्दाख का टूर के पहले 2 क्रॉनिकल्स जो डाले हैं वो देखे ही होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो उसके लिंक मैं नीचे भेज रही हूँ, वो जरूर देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Day 1 हमारा वहाँ का एक्लिमेटाइजेशन और रेस्ट का ही दिन था और Day 2 को हम लोग वहाँ के स्पिटुक मोनास्ट्री, मैग्नेटिक हिल, संगम पॉइंट और पत्थर साहिब गुरुद्वारा देखने गए थे। ये दोनों भी आपको Day 1 और Day 2 के क्रॉनिकल्स में दिखेंगे। अब मैं Day 3 के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जनवरी 2021 में जब कोरोना केसेस काफ़ी कम हो गए थे हमारे देश में और सभी जगह थोड़ा माहौल पॉजिटिव हो गया था, इसी साल के मई महीने में हमारी शादी की 25वीं सालगिरह भी आ रही थी, तो अभय और मैंने दोनों ने कहीं सुंदर से, अच्छे से और शांत जगह पर जाकर यह मनाने की सोची। हम लोग जगहों के बारे में सोच ही रहे थे और हमेशा मैंने अभय से ये कहते आई हूँ कि मुझे ज़िंदगी में 2 जगह जरूर देखनी, तो बर्फीले पहाड़ और दूसरे रेगिस्तान। तो ढूंढते ढूंढते हमने लद्दाख की जगह चुनी क्योंकि मई के महीने में लद्दाख में काफ़ी बर्फ होती है, ठंड भी काफ़ी होती है और वहाँ के हुंडर विलेज में काफ़ी रेगिस्तान है, पूरा सैंड ड्यून्स एंड ऑल। तो हमको दोनों भी चीज़ें, यानी मेरी दोनों भी इच्छाएं एक ही जगह पूरी हो सकती है, इसलिए हमने लद्दाख को ही चुना और उस हिसाब से हम लोगों ने वहाँ एयर ट्रैवल और वहाँ के स्टे का पूरा बुकिंग कर दिया। उसी बीच इनके कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं तो उन्होंने भी हमारे साथ आने की तैयारी दिखाई और वे लोग तैयार हो गए हमारे साथ आने के। कुल वो 3 कपल्स हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गए और कुछ दिनों बाद हमारे उसमें से एक कपल कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से ऑप्ट आउट हो गए, लेकिन बाकी 2 कपल्स यानी मनीषा और सुनील धांडे और दूसरे शिरीश और दीपाली कोठावदे और हम दोनों, हम ऐसे 3 कपल्स जाने के लिए तैयार हो गए। कोइंसिडेंटली ये हुआ कि 9 मई को मनीषा और सुनील जी उनका भी शादी की 25वीं सालगिरह थी और 10 मई को हमारी, इसलिए और भी सब लोग खुश थे और हम लोग सभी साथ में मनाएंगे इस वजह से खुश थे और हम लोग उस प्रकार सब लोगों ने ले जाने की बुकिंग कर। इसके पहले के एपिसोड में आपने देखा कि 10 मई को हम लोग संगम पॉइंट वगैरह सब घूमकर अपने कॉटेज में वापस लौटे। दोपहर का टाइम था। लेह ये 12,000 फीट अबाउव मीन सी लेवल, इतनी ऊंचाई पर है, इसलिए वहाँ हमेशा ही ऑक्सीजन की कमी होती है और काफ़ी ठंड होती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम लोग अपने कॉटेजेस में आराम करने चले गए और वहाँ का हीटर शुरू किया। आपने पहले के एपिसोड में देखा होगा कि हमारे कॉटेजेस के जो खिड़कियां थी उस पर प्लास्टिक शीट्स लगी हुई थी, तो अंदर काफ़ी वेंटिलेशन की कमी थी और उसकी वजह से हमें सफोकेशन महसूस हुआ और हम दोनों के भी ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगे। हमने तुरंत होटल के स्टाफ से बात की और उन्होंने पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम किया, लेकिन वह काफ़ी 3 या 4 घंटे में ख़त्म होने वाला था, तो उसका खास हमें कोई फ़ायदा हुआ नहीं और हमारा ऑक्सीजन लेवल गिरता ही गया। तब हमने डॉक्टर्स की सलाह लेने की सोची और होटल वालों ने सबने हमारा वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
जाने का इंतज़ाम किया। हमारे साथ हमारा दोस्त शिरीष भी था और हम लोग वहाँ होटल के हॉस्पिटल के हॉस्पिटल में पहुँचे और वहाँ पर उन लोगों को शिरीष ने कन्विंस किया कि हम लोग टूरिस्ट लोग हैं और हम कोई कोविड पेशेंट नहीं है, बिकॉज पैंडेमिक का दौर था तो वो लोग मान नहीं रहे थे। और उन्होंने शिरीष ने उन्हें समझाया कि हम लोग एक्यूट माउंटेन सिकनेस के पेशेंट्स हैं, कोविड के पेशेंट्स नहीं हैं। फिर भी उन्होंने हमारा कोविड रैपिड टेस्ट लिया जो कि नेगेटिव आया और फिर उन्होंने हमें इमिडिएटली इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया। हमारी कंडीशन काफ़ी सीरियस थी क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल 61 हो गया था, हार्ट बीट्स बढ़ गई थी और सेम अभय का भी 71 ऑक्सीजन लेवल हो गया था। उन्होंने सब हॉस्पिटल में एडमिशन की जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी और दवाई लाने का सब दौड़ धूप हमारे दोस्त शिरीष ने किया, उसका हमें बहुत काफ़ी सपोर्ट रहा। वहाँ के डॉक्टर्स ने हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू किया, हमें रात भर ऑक्सीजन से लेते रहे हम लोग और कुछ एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस, इंट्रावेनस इंजेक्शंस भी उन्होंने दी। सुबह हम लोग जब सुबह भी हम काफ़ी ठीक महसूस कर रहे थे और दोपहर तक हम लोग काफ़ी रिकवर हो गए थे। उसके पहले उन्होंने हमारा सब एक्सरे, ईसीजी, ब्लड सैंपल्स ये सब लिया था, प्रॉपर ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू कर दिया था, उसकी वजह से हम जल्दी रिकवर हो पाए। हमारे हॉस्पिटल में हम जब तक थे तब तक वहाँ पर दवाई लाने का और हमारी सब खाने पीने का इंतज़ाम शिरीष और सुनील ने किया, ये हमको हमेशा याद रहेगा। हम फिर जल्दी ही रिकवर होके दोपहर तक हमारे कॉटेज में पहुँच गए। इस दौरान हम लोग दोनों ही काफ़ी इमोशनल हो गए थे क्योंकि ठाणे में हमारा बेटा अकेला घर में था और हम लोग यहाँ इतनी दूर इतनी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में, तो हमें काफ़ी बुरा भी लग रहा था। जब हमें दोपहर में डिस्चार्ज मिला तब डॉक्टर्स और नर्सेस ने हमें सख्त हिदायत दी कि इसके आगे का जो लेह लद्दाख टूर का तुम्हारा आगे के प्रोग्राम्स है वह सब कैंसिल कीजिए और वापस जल्दी से जल्दी लो अल्टीट्यूड की जगह पर चले जाए। हम लोग फिर 4 बजे डिस्चार्ज होने के बाद अपने होटल्स में चले गए अपने होटल में और वहाँ पर हमको हमारे सब फ्रेंड्स हमारा इंतज़ार कर रहे थे, वे हमको देखकर काफ़ी खुश हुए। और जो पहले दिन उन्होंने हमारी सालगिरह मनाने के लिए केक वगैरह जो भी इंतज़ाम किया था, जो हमारी हालत ठीक न होने से हमने नहीं की थी सेलिब्रेट, तो दिन शाम को फिर सेलिब्रेट करने के सोचे और हम सब लोगों ने मिलकर सुंदर सा केक काटा, सबके साथ मिलकर हमने अच्छा सा डिनर किया और अपनी सालगिरह मनाई, सभी तरफ खुशी का माहौल हो गया। हम लोग लद्दाख के मेडिकल फैसिलिटीज़ और हॉस्पिटल स्टाफ के हमेशा ही आभारी रहेंगे क्योंकि उन्होंने हमें जल्दी से जल्दी इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया और जो कि पूरी तरह से फ्री था। आप भी अगर लद्दाख जा रहे हो तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी, डायमॉक्स नाम की एक टैबलेट होती है जिसका आप जाने के पहले 5 दिन का कोर्स जरूर करें। आप अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं इस बारे में ताकि आपको वहाँ जाने पर एक्यूट माउंटेन सिकनेस की परेशानी ना हो। अगर आपको हमारा यह एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर की सलाह पर हम लोग वापस लौटे या हमारा यह लेह लद्दाख टूर हमने जारी रखा, यह जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड जरूर देखें। बाय। Thank you.